गाइस पंप पेन कैसे बना जाता है आज की इस वीडियो में सभी डाउट्स आपके जो भी है क्लियर कर दूंगा। सो पहला तो है मेन काम, काम क्या रहता है वो बहुत जानना जरूरी है, बिकॉज 70% लोग ऐसे हैं जो कि काम क्या है उसके अकॉर्डिंग जॉब अपनी चूज करते हैं, और 30% लोग हैं जो कि रैंक देखते हैं कि हाँ बस पंप पेन बनना है तो चाहे कुछ भी काम हो कर लेंगे। सो सैलरी पंप पेन की कितनी रहती है, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन कैसा रहता है, आप कैसे बन सकते हो पंपमैन, एंड आपका ओवर टाइम रेट, मतलब आप जो आपके वर्किंग आवर्स है उसके बाद आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो उसका अलग से रेट कितना रहता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगा। और वर्किंग आवर्स मतलब डे वर्क रहता है या वॉच रहेगी। सो आप लोग पंपमैन कैसे बन सकते हो, डेक साइड से बन सकते हो या इंजन साइड से, वो भी जानना बहुत जरूरी है। सो सभी जो भी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सो हेलो गाइस, मैं वल्केश सोलंकी एंड यू आर वाचिंग मरीन ज्ञान, इट्स अ सी फेयर्स वॉइस। सो स्टार्ट करेंगे काम से लेके, काम कैसा रहता है मेन है आपको, जैसे लोडिंग और डिस्चार्जिंग। जहाज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको कार्गो, क्योंकि कार्गो के ऊपर ही उसका मेन अर्निंग है। शिप खाली जा रहा है मतलब जीरो अर्निंग है। सो कार्गो मेन है, सो कार्गो लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग जो भी काम है वो पंपमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वाल्व्स ओपन करने हैं, बंद करने हैं, साउंडिंग्स लेना है कितना आ गया है टैंक में, सो मेन काम वो है। दूसरा जो मेंटेनेंस वर्क है वो तो करना ही करना है, एंड स्टेशंस वगैरह में पंपमैन को जाना ही पड़ता है, क्योंकि जो भी डेक साइड वाले जो क्रू है उनको स्टेशन करना ही करना है, वो तो आप लोगों को क्लियर कर लेना चाहिए। और पंपमैन का जो काम है वो मैंने जैसे बताया लोडिंग डिस्चार्जिंग, सो अंडर गाइडेंस ऑफ चीफ मैन, जो चीफ मैन या फिर जो भी ऑफिसर्स रहेंगे वो आप लोगों को लोडिंग या डिस्चार्जिंग के टाइम पे सब बताते रहेंगे कि आप लोगों को ये वाल्व ओपन करना है, वो बंद करना है, पंप रूम में जाना है, पंप के लीकेजेस वगैरह भी चेक करने हैं, वो सभी काम मैक्सिमम जो भी है वो पंपमैन के अंडर आता है। और यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बता दूं कि बोसन का काम भी कुछ कुछ जहाज पे पंपमैन को करना पड़ता है, बिकॉज अगर बोसन नहीं है शिप पे देन जो काम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पंपमैन करता है, मतलब चीफ मेट आप पंपमैन को काम बता देगा, पंपमैन जो अपने क्रू है एबी है ओएस है ट्रेनिंग ओएस है उनको काम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है कि अगर बोसन नहीं है देन पंपमैन का काम बोसन का काम भी है। और पंपमैन और बोसन वो जो रैंक है वो थोड़ा अबव रैंक है, मतलब रेटिंग्स ही है लेकिन जो रेटिंग से थोड़ा ऊपर है, इनको पेटी ऑफिसर्स में काउंट किया जाता है। कौन कौन से रैंक पेटी ऑफिसर के अंदर आते हैं वो नहीं मालूम है, देन मैंने आई बटन में वीडियो डाल दिया है पेटी ऑफिसर का, वो वीडियो भी एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। पंपमैन का जो रैंक है वो सभी शिप पे नहीं रहता है, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा पंपमैन का रैंक ओनली टैंकर वेसल्स पे मिलेगा, सो उसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हो कि जॉब भी उसके रिलेटेड ही मिलेगी। एबी वगैरह है ओएस है वाइपर है इंजन साइड है मतलब, सो उन लोग के रैंक सभी शिप पे रहते हैं, सो उन लोग को जॉब उस तरह से ज्यादा मिलेगी। लेकिन पंपमैन का रैंक टैंकर वेसल पे ही रहता है, बल्क कैरियर या कंटेनर या कार कैरियर पे नहीं रहता है। और पंपमैन के जो वर्किंग आवर्स है वो डे वर्क है, उनको वॉच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जब भी शिप लोडिंग डिस्चार्जिंग के लिए या बर्थिंग अनबर्थिंग हो रहा है उस टाइम पे तो आप लोगों को जाना ही जाना है, डे टाइम हो और नाइट टाइम हो, वो कोई भी डेक क्रू है या डेक ऑफिसर्स है उनको स्टैंड बाय होना ही है, सभी लोग को मालूम ही होगा। सो वैसे सेलिंग के टाइम पे पंपमैन जो है वो डे वर्क करता है, मतलब 8 to 6 या फिर 8 to 5, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कितना वर्किंग आवर्स है। 6 to 6 भी कोई कोई वेसल पे रहता है, कोई कोई वेसल पे 8 to 5 रहता है, कोई कोई वेसल पे 8 to 6 रहता है। सो जो बर्थिंग अनबर्थिंग के टाइम पे एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है, छुट्टी भी मिल जाती है, और अगर छुट्टी नहीं मिलती है आपका ओवर टाइम हो जाता है, सो उसका ओवर टाइम का भी अलग से आपको पैसा मिलेगा। जो बाकी जो भी रेटिंग्स है उनके अकॉर्डिंग ओवर टाइम का रेट है वो पंपमैन का $4.5 से लेके $6 तक का भी रहता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। अच्छी कंपनी में $6 तक भी है ओवर टाइम रेट, थोड़ी छोटी नॉर्मल कंपनी है उसमें $4 तक भी है, सो वो एवरेज है वो $4.5 से लेके $6 के बीच में मिलता है।
और पंपमैन कैसे बना जाता है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन बता दूं। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन सेम है जैसे रेटिंग्स का रहता है, 6 ± 1 भी रहता है, 8 ± 1 भी रहता है, 9 ± 1 भी रहता है, वो डिपेंड ऑन दी कंपनी है, आप कौन सी कंपनी में जाते हो उसके ऊपर डिपेंड है। बिकॉज बहुत सारी कंपनी है वो जो रेटिंग्स को भी 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट देती है, एंड बहुत सारी कंपनी है जो रेटिंग्स को 8 मंथ्स का देती है, एंड मैक्सिमम कंपनीज है जो कि रेटिंग्स को 9 ± 1 का कॉन्ट्रैक्ट देती है। सो वो डिपेंड ऑन दी कंपनी है। सो नेक्स्ट हमारा है सैलरी। सो सैलरी से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग पंपमैन कैसे बन सकते हो। सो डेक साइड से ही आप पंपमैन बन सकते हो। सो डेक साइड में आपने जैसे जीपी रेटिंग कंप्लीट कर लिया, जीपी रेटिंग कैसे करना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, सो आई बटन में वो वीडियो भी जरूर डाल दूंगा। सो आप लोग जीपी रेटिंग करने के बाद आप लोगों को ट्रेनी ओएस में वेसल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग वॉच कीपिंग निकाल के आपका प्रमोशन हो जाएगा एज ए ओएस। एज ए ओएस आप सेल करने के बाद आप लोग को सीओपी निकालना है, सीओपी के बाद आप एबल बॉडीड सीमेन मतलब एबी बन सकते हो, एबल बॉडीड सीमेन के बाद आप बोसन भी बन सकते हो, और पंपमैन बनने के लिए आपका परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा देन आप लोग को चीफ मेट या फिर कैप्टन जो भी है रिकमेंड करेगा कि आप पंपमैन बनने के लिए बहुत अच्छे हो, सो वो कंपनी से बात करेंगे कि इस बंदे को पंपमैन बनाना है। सो बहुत सारे कंपनीज में ऑन बोर्ड भी प्रमोशन हो जाते हैं, पंपमैन बना देते हैं, एंड कुछ कुछ कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लाइक बहुत सारी कंपनीज आप लोगों को एक कोर्स अटेंड करना पड़ता है, पंपमैन का कोर्स आप अटेंड करोगे उसके बाद ही आपको वेसल पे प्रमोट करके भेजा जाता है, मतलब पंपमैन बना के भेजा जाता है। सो वो डिपेंड ऑन दी कंपनी है। समटाइम्स क्या होता है कि एबी हो या बोसन हो तभी भी आप पंपमैन का कोर्स पहले कंपनी के थ्रू कर लीजिए, एंड देन आप लोग जब भी कोई पंपमैन उतरने वाला है उसके बदले आपको प्रमोशन देके पंपमैन बना दिया जाता है। सो पंपमैन का कुछ इस तरह से भी रहता है, वो डिपेंड्स ऑन दी कंपनी है। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग सैलरी। सैलरी सभी को मालूम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग स्पेशली सैलरी के लिए ही आते हैं मर्चेंट नेवी में। सो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि पंपमैन की सैलरी स्टार्ट होती है अराउंड $1400 से लेके $2200 तक, वो भी कंपनी के ऊपर डिपेंड है। छोटी मोटी नॉर्मल कंपनी में पंपमैन की सैलरी $1400 $1500 रहती है, लेकिन अच्छी अच्छी कंपनी में $2200 तक भी सैलरी है, और ओवरटाइम रेट और ओवरटाइम जो भी आप करोगे उसका एक्स्ट्रा मिला के $2400 तक भी सैलरी पंपमैन की रहती है। सो आई होप आप लोगों को जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। सो आज की ये वीडियो में पंपमैन के बारे में मैंने जितने भी डिटेल्स दिए उसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट है देन आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और अगर आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है देन इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर ले, देन मेरा इंस्टाग्राम आईडी है marine_gyan619, उस पर भी फॉलो कर लेना, आप जो भी डाउट्स है वहाँ पूछ सकते हो, और कंपनी के रिलेटेड कुछ कुछ वीडियोस एंड वेसल के रिलेटेड कुछ कुछ वीडियोस भी मैं वहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।